हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो फ्रॉग्स का आखिरी पार्ट है। इसमें कुछ पूरी तरह मेंढक बन गए हैं और अभी भी कुछ बाकी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हैं आपको एक फ्रॉग का बच्चा, जिसको टैडपोल कहते हैं, एक नज़र आ रहा होगा। इसके पैर भी निकल चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनमें से बहुत कम मेरे पास बचे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं और ज़्यादा भूख लगने पर ये एक दूसरे को ही मार कर खा जाते हैं। ये इनमें खासियत है और मुझे अभी पता लगा है। मैंने इनमें से कुछ को, जो बढ़िया से थे, बचे बड़े थे थोड़े, उनको मैंने उठाकर टैंक में डाल दिया था। और टैंक में मेरी किसी मछली ने इनको खाया नहीं, तो मैंने सोचा कि दो तीन और डाल देता हूँ। और ये उनमें से एक है। इसके आप पैर देख सकते हैं, कितने पैर इसके बाहर आ गए हैं। ये पूरी तरह बन चुका है, इसकी तरह दो तीन और हैं। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे अपने पैरों के सहारे इस चट्टान पर चढ़ रहा है, नीचे उतर गया। यहाँ पे जो छोटे छोटे फिश फूड के टुकड़े पड़े हैं, ये उनको खा रहा है। तो इसीलिए मैं इतने दिनों से रुका हुआ था। मैंने सोचा कि अगर इनमें कुछ अलग प्रोसेस होती है, इनके पैर बाहर निकलना, या फिर जब ये पूरी तरह मेंढक बन जाते हैं, तो मैं वीडियो अपलोड करूँ। इसीलिए मुझे और कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा था और मैं इसी की वजह से अटका पड़ा था। और बीच में मेरे एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे, तो इसीलिए मैं और वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर दूसरा टैडपोल है, ये सेम उसी के साइज़ का है, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। खैर, इनकी इवोल्यूशन मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा। चलिए दूसरी फुटेज पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए 3/8/2020 2:10:50 PM अचानक सी मेरी नज़र इन पर पड़ी और मुझे लगा कि ऊपर कुछ फिश फूड टंगा होगा या फिर कुछ और है ये। लेकिन जब ये थोड़ा सा मूव किया, थोड़ी सी इसमें मूवमेंट हुई, तो फिर पता लगा ये फ्रॉग है, जो पूरी तरह बन चुका है। चलिए मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हल्की सी पूंछ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये कुछ दिनों में झड़ जाएगी या फिर हम कह सकते हैं गायब हो जाएगी। यहाँ आप देखिए, अब आपको दिख सकता है ये पूरी तरह बन चुका है। और अगर ये पैर और हाथ सिकोड़ता है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा वही साइज़ है जो एक टैडपोल का था, और इसमें बस पूंछ गायब है। इनके हाथ इनकी झिल्लियों के अंदर पूरी तरह से ढके हुए रहते हैं। सबसे पहले इनके पैर बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद जब ये पैरों से चलना फिरना पूरी तरह सीख लेते हैं, धीरे धीरे इनके हाथ जब बन जाते हैं, ये उसी जगह की झिल्ली को तोड़कर फिर बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, और ये कितने अच्छे से चिपक जाता है प्लास्टिक पे। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये है वो दूसरा डब्बा, जिसमें इन्हीं के साथ के दूसरे टैडपोल रखे हुए हैं। इनमें से कईयों के पैर निकल गए हैं और कईयों के नहीं निकले। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, ये हैं छोटे बॉक्स में, और मैंने इनको एक बॉक्स में और दो टैंक में रखा था, जिसमें से टैंक का साइज़ एक का 2.5 फीट था, दूसरा 15 इंची। 15 इंच वाले में उतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ, छोटे वाले में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, और 2.5 फीट वाले में थोड़ा सा अच्छे से हुआ, क्योंकि इनको तैरने का स्पेस बहुत अच्छे से मिला था। ये देखिए यहाँ पे, ये कितने अच्छे से चिपका पड़ा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको टैंक में से नहीं निकालता, तो ये भाग जाता। अगर आप लोग कभी टैडपोल लाते हैं पालने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो ध्यान रखें, उसमें से फ्रॉग निकल के भाग सकता है, आपके घर में इधर उधर कभी खाने में कहीं भी जाके गंदगी मचा सकता है। और ये देखिए 3/8/2020 यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक फ्रॉग भागता हुआ दिखा होगा। ये एक नहीं है, ऐसे ही दो तीन और बन गए हैं। यहाँ एक पत्थर के पास देखिए, और ये देखिए, ये पूरी तरह अभी बना नहीं है। इसकी पूंछ थोड़ी क्या, इसकी पूंछ तो बहुत सारी बाकी है। और इसके गाल को आप हिलते हुए देख सकते हैं, ये अब सांस मुंह से लेने लगे हैं, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये बाहर आ जाएँ। और मैंने टैंक के बाहर पौधे भी लगाए हुए हैं, लाइव प्लांट्स, मनी प्लांट और भी हैं, जिनकी जड़ों को पकड़ के ये बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इतना ऊपर जा ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं इनको छान के बाहर निकाल लूँगा। और ये देखिए, ये तैर तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये तैर के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, या तो इनकी सांस फूल जाती है, या इन्हें दूसरे टैडपोल पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। ये वही केकड़े वाला हिसाब है, अगर कोई एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो सारे केकड़े उसको पकड़ के पीछे खींच देते हैं। देखिए, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी फुटेज, मैंने उन दोनों को बाहर निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं इन दोनों को बाहर निकाल लूँगा।
और ये देखिए, ये वो वाला फ्रॉग है जिसकी पूंछ बाकी थी। ये देखिए, ये कहीं से फ्रॉग लग नहीं रहा, वैसे आपको देखने से लग रहा होगा लिजर्ड जैसा, या फिर किसी को जैसे कहते हैं हम कमेलियन, ये कमेलियन जैसा लग रहा होगा। और दूसरा उस फ्रॉग को देखिए जो बैठा हुआ है, ये देखिए कितने अच्छे से बैठा है, जैसे एक गार्ड डॉग जैसे बैठा हो। तो अब इन फ्रॉग्स के बनने के बाद समय है इनको छोड़ देने का, और मैं जाकर इनको वाइल्ड में जहाँ से इनको लेकर आया था वहीं मैं इनको पार्क में किसी सेफ़ जगह पर छोड़कर वापस आ जाऊँगा, और ये अपनी लाइफ जीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सोच रहा था एक नया टॉपिक चुना जाए, ब्लड वॉर्म्स, जिनको हम अर्थ वॉर्म भी कहते हैं, या फिर ब्लड वॉर्म, उनकी ग्रोथ के बारे में। कई बार लोग उन्हें अपनी मछलियों को खिलाते हैं या फिर अपने गार्डन्स में छोड़ते हैं, तो इसके लिए उनको भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। चलिए फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं।